हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें टेक्स्ट बुक के सभी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 14.2 से, क्योंकि 14.1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमने सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए क्यों चूज़ किया, कार्बन को क्यों नहीं, तो वो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सपोज़ अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ 5×10^28 एटम्स पर मीटर क्यूब, ओके। एक मीटर क्यूब में इतने एटम्स है। इट इज डॉप्ड बाय 1 ppm, 1 part per million कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स, और नंबर डेंसिटी आपको ni दी हुई है 1.5×10^16 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ओके। तो सिलिकॉन में जो इंट्रिंसिक एटम्स है, जो प्योर एटम्स है, उसकी नंबर डेंसिटी यहाँ पे है, और हमें इम्प्योरिटी का लेवल पता है 1 ppm, ठीक है। तो आप डायरेक्ट स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो कि एक आर्सेनिक का अगर एटम है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो 1 electron is donated by arsenic, या तो by each arsenic atom, ओके। हैंस आप लिख सकते हो कि जितने आर्सेनिक एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर मीटर क्यूब, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर मीटर क्यूब के लिए। तो आप एक स्टेटमेंट ऐसा भी बना सकते हो कि 1 electron, 1 part per million है ना, तो 1 electron हमें कितने में मिलता है, 10^6 पे। तो आप ऐसे लिख सकते हो 10^6 प्योर एटम है तब आपको मिलता है 1 electron। तो हमारे पास कितने पर मीटर क्यूब देखने जाए तो 5×10^28 प्योर एटम्स है, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी 5×10^28 डिवाइड बाय 10^6, तो 5×10^22 पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला लगा दो, ni स्क्वायर इक्वल टू ne×nh, आपको चाहिए nh, तो ni स्क्वायर डिवाइड बाय एनी। अब ni स्क्वायर, ni तो यहाँ पे आपके पास है, उसका स्क्वायर कर दो, ni यहाँ पे मिला, और ये दोनों वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैन वी टेक 1 slab ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली जॉइन इट टू अनदर एन टाइप सेमीकंडक्टर टू गेट पीएन जंक्शन। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, आपने देखा था पीएन जंक्शन जब क्रिएट होता था तब इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न होना ज़रूरी जंक्शन बनने के लिए, और डिफ्यूज़न होने के लिए इलेक्ट्रॉन है उनको एक कंटिन्यूस मटेरियल की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, नो एनी स्लेब हावेवर फ्लैट विल हैव रफनेस मच लार्जर देन द इंटर एटोमिक क्रिस्टल स्पेसिंग, मतलब 2 to 3 angstrom, एंड हैंस कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट एट द एटोमिक लेवल विल नॉट बी पॉसिबल, द जंक्शन विल बिहेव एज अ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फ्लोइंग चार्ज कैरियर्स, ओके। चलो ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल 14.4 देखो, द VI कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ अ सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट ID इक्वल टू 15 mA एंड VD इक्वल टू -10 V। एकदम ईजी है, देखो 15 mA का करंट यहाँ पे है, तो आपको फर्स्ट केस में, मतलब ए में, रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
तो आप क्या करोगे, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आई करने जाओगे। अब डेल्टा वी क्या है सोचो, तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू दी हुई है एक्चुअली, 0.7 एंड 0.8, ठीक है। तो वोल्टेज में आप लिखोगे 0.8 माइनस 0.7, और यहाँ पे आप लिखोगे 20 माइनस 10, बट मिली में है तो 10^-3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। और बी के लिए भी सेम वैसे ही, रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। अब चेंज इन वोल्टेज कितना होगा, ये -10 है और इधर 0 है। सेम वे करंट में 1 माइक्रो एम्पियर का डिफरेंस रहेगा क्योंकि इनिशियल 0 था, तो ऊपर आएगा 10 और नीचे आएगा 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10^-6, मतलब ये 10^7 ओम बनेगा, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, आपको यहाँ पे बोला गया है कि द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज नॉन टू बी मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस, है ना। व्हाट इज द रीजन देन टू ऑपरेट द फोटो डायोड इन रिवर्स बायस, तो फिर हम फोटो डायोड को रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से समझना भी है, ठीक है। फोटो डायोड को हम रिवर्स में क्यों ऑपरेट करते हैं, अब तो सबसे पहले ये देखो कि फोटो डायोड हम कौन से पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, और लाइट कब डिटेक्ट होती है, जब हमें कोई मेजरिंग डिवाइस है या तो सपोज करंट मीटर है उसमें चेंज इन करंट हमें दिखाई दे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको मेजर करना है, तो इंटेंसिटी का रिलेशन सीधा किसके साथ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो करंट की वैल्यू में अगर चेंज आता है, अगर हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं तो लाइट को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सोचो कि मैं अगर आपको बोलूं कि एक इंसान है जिसके पास 10 लाख रुपीज़ है और एक इंसान के पास 100 रुपये हैं, इसको आप 200 रुपये देते हो और ये पर्सन को आप 200 रुपये देते हो, कौन सा ज़्यादा खुश होगा। दोनों, क्यों, दोनों को मिल रहे हैं बट ज़्यादा खुश होगा ये, क्यों, उसके पास ऑलरेडी कम थे। सेम वैसे ही ये जो करंट होता है ना वो मिली एम्पियर में होता है, और ये जो करंट होता है ना वो माइक्रो एम्पियर में होता है। तो स्मॉल करंट कौन सा है, ये। तो अगर स्मॉल करंट में ज़रा सा वेरिएशन आया तो वो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, अगर ये लार्ज करंट में ज़रा सा वेरिएशन आया तो उसको आप इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम ये जो डायोड है उसको रिवर्स में कनेक्ट करते हैं फोटो डायोड को, ओके। अब जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा हम यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं कि सपोज इनिशियली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n थे और नंबर ऑफ प्रोटॉन p थे। हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, समझो n टाइप के बारे में। हमने यहाँ पे n टाइप जो पार्ट है वो लिया, उसको ध्यान में लिया और उसके लिए ये सब हम समझ रहे हैं। तो इनिशियली मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या था, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज क्या था, तो वो पॉजिटिव होल्स, क्लियर। सपोज हमने लाइट इंसिडेंट कराई, तो ये इनिशियली है। अब फाइनली देखते हैं लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, तो ये n डैश बन गया n प्लस डेल्टा n, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, तो p डैश बन गया p प्लस डेल्टा p, कुछ होल्स भी जनरेट हुए। अब यहाँ पे देखो जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए होंगे उतने ही होल्स भी जनरेट हुए होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं उतने ही होल्स जनरेट हुए। अब इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे आप रिलेटिव एरर देखने जाओ या तो रिलेटिव चेंज देखने जाओ, तो रिलेटिव चेंज आप डेल्टा एन बाई एन करो और डेल्टा पी बाई पी करो, ठीक है, समझना। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है ना, बट n की वैल्यू ज़्यादा थी और p की वैल्यू कम थी,
एन की वैल्यू ज़्यादा थी, पी की वैल्यू कम थी। तो ऑल ओवर देखने जाओ तो रिलेटिव चेंज यहाँ पे डिक्रीज़ होगा और यहाँ पे रिलेटिव चेंज इंक्रीज होगा, इसीलिए हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर काउंट करते हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो होता है वो आपको मिलता है रिवर्स बायस में, ठीक है। वो करंट की वैल्यू चाहे कितनी भी कम है बट उसमें अगर ज़रा सा भी वेरिएशन आया तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि रिलेटिव चेंज है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 14.7 देखो, वाई आर सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आज आर प्रिफर्ड मटेरियल फॉर सोलार सेल। देखो तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाया है, द सोलार रेडिएशन स्पेक्ट्रम रिसीव्ड बाय अस। तो यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे मिलती है वो देखो, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास, ठीक है। तो हमें ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका बैंड गैप है वो 1.5 या उससे कम वैल्यू का है, 1.5 के आसपास या तो उससे कम वैल्यू का है, ताकि मोस्ट ऑफ दी जो स्पेक्ट्रम का पार्ट है वो हम यूज़ कर पाए, ठीक है। तो ऐसे दो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, एक सिलिकॉन एंड एक गैलियम आर्सेनाइड। और वैल्यू के साथ आपको देखना है तो आप सॉल्यूशन एक बार देख लेना, इसका 1.1 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 1.53 समथिंग है, ठीक है। अब इन दोनों में फिर भी ज़्यादा अच्छा है गैलियम आर्सेनाइड, क्यों? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा अच्छा है, ये सनलाइट को ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो देखो ये गेट वाले क्वेश्चन से बहुत ही इजी है, अभी अभी आपने गेट पढ़ा है तो आपको समझ में भी इजी लिया जाएगा। देखो करना क्या है, आपको बोला गया है जस्टिफाई द आउटपुट वेवफॉर्म वाई ऑफ द और गेट फॉर द फॉलोइंग इनपुट ए एंड बी, ठीक है, इन फिगर 14.37। मतलब ये जो डायग्राम है उसमें आपको चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग। तो और गेट का तो आपको सबसे पहले ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए, ए बी और आउटपुट वाई 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1, दोनों जीरो है तभी जीरो आना चाहिए। चेक करो यहाँ पे, देखो पता चल जाएगा ये जीरो आंसर जीरो है। देखो अपर हाइट है तो ये वन है, ये लोअर हाइट तो ये जीरो, तो यहाँ पे अपर है तो आउटपुट वन, यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है नीचे। देखो ये वन तो यहाँ पे आउटपुट वन सही है, ये जीरो वन तो आउटपुट आना चाहिए वन सही है, दोनों जीरो है तो आउटपुट होना चाहिए जीरो सही है, वन जीरो तो यहाँ पे वन सही है, ठीक है ना। तो फिर आपको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से लिखना है कि अगर टाइम लेस देन टी वन है तो ए इनपुट जीरो था, बी जीरो था और आउटपुट मिला जीरो। देखो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और ये मिला जीरो। फिर लिखना है बिटवीन टी वन एंड टी टू, ये वन है ये जीरो है और आउटपुट मिला वन, तो देखो यहाँ पे लिखा है टी वन टू टी टू 1 0 और आउटपुट मिला वन, ठीक है। तो ये आपने वेरीफाई कर लिया, चलो समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, टेक ए एंड बी इनपुट वेव फॉर्म सिमिलर टू दैट इन एग्जाम्पल 14.11, स्केच द आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम एंड गेट। अब एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या है अच्छे से समझो, एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल क्या है, ए बी और आउटपुट वाई 0 1, सॉरी यहाँ से स्टार्ट कर दो ना ऐसे 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। ये 0 0 0 1 मतलब बोथ इनपुट अगर 1 है तो ही आउटपुट आएगा 1। अब इसमें चेक कर लो, देखो फर्स्ट 0 0 है तो 0 आएगा, फिर 1 0 है तो 0 आएगा, क्यों? क्योंकि अभी एंड गेट बनाना है, तो 0 रहेगा 0 रहेगा, फिर ये 1 1 पे 1 आएगा तो ये 1 बनेगा, फिर ये 0 1 पे 0 आएगा तो ये 0 रहेगा, फिर ये 0 0 पे 0 आएगा तो और 0 रहेगा, ये 1 0 पे 0 आएगा तो और 0 रहेगा, और ये 0 1 पे फिर 0 रहेगा। एक ही बार ये स्पाइक आपको देखने को मिलेगा, देखो ऐसा मिला आपको यहाँ पे, समझ में आ गया। चलो ये तो एकदम इजी था, ट्रुथ टेबल अगर आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ट्रुथ टेबल से भी पहले आपको लॉजिक आता है तो ट्रुथ टेबल आप खुद बना सकते हो। ओके, स्केच द आउटपुट वाई फ्रॉम द नैंड गेट हैविंग इनपुट ए एंड बी गिवन एज बिलो। देखो यहाँ पे आपको इनपुट दिए हुए इससे ऊपर,
तो नैंड गेट के लिए क्या था, ए बी आप ए डॉट बी करते थे, फिर लास्ट में फाइनल आंसर बनता था ए डॉट बी का बार। तो ये 0001 1011 पे यहाँ पे आपको मिलता था 1110। अगर दोनों वन है तभी आउटपुट आएगा ज़ीरो। तो चेक करो ये वन देखो आउटपुट आ गया ज़ीरो, तो आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ज़ीरो आउटपुट होना चाहिए वन, तो वन ड्रॉ कर दिया, 01 तो आउटपुट वन, 10 आउटपुट वन, दोनों वन फिर से आउटपुट ज़ीरो, तो आपने नीचे ड्रॉ कर लिया, ऐसे आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये सब तो बहुत ही ईजी है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अभी चलेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन आपको खुद कर लेना है, अगर उसमें भी कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो यहाँ तक क्लियर है, ओके चलो यहाँ तक रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14.8 देखते हैं, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। देखो हाफ वेव का आउटपुट वेवफॉर्म आपको कैसा मिलता है और इनपुट वेवफॉर्म कैसा होता है। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास है ही, तो वहीं से चेक कर लेते हैं सीधा। चलो ये देखो, यहाँ पे इनपुट का एक सिग्नल यहाँ पे फिनिश हुआ, तो हाफ वेव आउटपुट कहाँ पे रिपीट होता है। देखो इतना सिग्नल बस यहाँ से रिपीट नहीं होता, ये भी है, यहाँ तक का शेप देखो वापस रिपीट होगा सेम वैसे ही, है ना। तो यहाँ पे वापस, तो मतलब जो इनपुट सिग्नल है एग्जैक्ट उसके साथ ही वो रिपीट हो रहा है। तो इनपुट सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की भी 50 हर्ट्ज। और फुल वेव रेक्टिफायर में देखो यहाँ से ही रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, अपना शेप रिपीट यहाँ से ही करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अगर इनपुट का एक वेव बन रहा है तो आउटपुट के दो वेव बन रहे हैं, तो डबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो 50 है तो 100। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा हाफ वेव के लिए 50 हर्ट्ज और फुल वेव के लिए 100 हर्ट्ज। ये हाफ वेव आउटपुट है और ये फुल वेव आउटपुट है। ओके 14.11 देखो, अ पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर विथ अ बैंड गैप ऑफ 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी निकाल लो एच सी अपॉन लेमड़ा से और एच सी अपॉन ई इंटू लेमड़ा कर दो। देखो ये आपको एनर्जी मिलने वाली थी जूल में, ये एनर्जी मिलने वाली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके अब ये कैलकुलेशन कर लो, आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर वो एनर्जी ये बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा है तो वो ये वेवलेंथ को डिटेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन। ओके अभी जो आ रहे क्वेश्चंस वो सारे कौन से हैं, डायोड्स के हैं, सॉरी गेट्स के। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 14.15 क्वेश्चन नंबर 14.15 के लिए आप क्या करोगे, तो एक एक स्टेज में देखते जाओ। सबसे पहले क्या है ए फिर बी, तो इनपुट तो आपको ड्रॉ करना ही है, तो इनपुट मैंने ले लिया ए बी। अब मुझे आउटपुट चाहिए, बट आउटपुट आउटपुट तक पहुंचने से पहले मैं इंटरमीडिएट स्टेप्स देख लेता हूँ। ये और गेट था तो ये बनाएगा ए प्लस बी, फिर ये आया बबल, तो बबल की वजह से यहाँ पे जो बाहर निकलेगा वो ए प्लस बी का बार, और फिर वापस नॉट गेट आया तो y इक्वल टू मुझे मिलेगा ए प्लस बी का जो बार है उसका भी बार। बार बार कैंसिल हो जाता है तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये कौन सा गेट है, और गेट। ठीक है, बट यहाँ पे हमें प्रूव करके दिखाना है ट्रूथ टेबल की हेल्प से। तो ए भी हमने निकाल लिया, इंटरमीडिएट स्टेप्स आप निकाल लो। सबसे पहले आपको करना था ए प्लस बी, फिर इंटरमीडिएट स्टेप था ए प्लस बी का बार, और फाइनली नॉट गेट में से निकला ए प्लस बी का जो बार है उसका भी बार।
तो ये हो गया आपका आउटपुट, यहाँ पे आएगा 0101011। ए प्लस बी करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 0111, यहाँ पे उसे उल्टा 1000, वापिस उल्टा, तो आपका आंसर आ गया 0111। ये जो ब्लैक कलर से है इधर, ये इनपुट है, इधर है आउटपुट, तो आप देख सकते हो कि आउटपुट है वो आपको OR गेट जैसा मिल रहा है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो OR गेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। अभी सेम वे उसका जो बी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। 14.15 का ए सॉल्व कर लिया, अभी 14.15 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो इंटरमीडिएट स्टेप्स में क्या आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा ए बार, है ना, क्योंकि नॉट गेट में से निकल रहा है, बी का हो जाएगा बी बार, फिर ये जो है वो और गेट है तो वो क्या कर देगा, ए बार और बी बार का एडिशन, फिर आगे क्या है बबल, बबल क्या करता है नॉट करता है, तो जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, ए बार प्लस बी बार का होल बार। तो इतनी चीज़ें आपको कहाँ पे दिखानी है, ट्रुथ टेबल में, तो सबसे पहले दिखा दो ए, फिर बी, फिर ज़रूरत है ए बार की, फिर ज़रूरत है बी बार की, फिर ज़रूरत है ए बार प्लस बी बार की, और फाइनल आउटपुट में मिलता है ए बार प्लस बी बार का होल बार। एकदम इजी है, तो यहाँ पे ध्यान दो क्या करना है, 0001101, यहाँ पे 1100100, ए बार प्लस बी बार इन दोनों का एडिशन करो, इन दोनों का एडिशन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1110, यहाँ पे आपको मिलेगा 0001। इनपुट अलग से दिखा दो इनको, आउटपुट अलग से दिखा दो, और बोल दो कि ये इनपुट और आउटपुट की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है वो कौन से गेट के हिसाब से हो रहा है, एंड गेट के हिसाब से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करें, देखो ये जो ए है और उसी को यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड किया गया है, तो यहाँ पे भी ए जाएगा, यहाँ पे भी ए जाएगा, ये इंटरमीडिएट स्टेप क्या करके दिखाएगा, एंड गेट है तो ए डॉट ए करेगा, और यहाँ पे बबल है तो बबल क्या करेगा, ए डॉट ए का बार करेगा। तो आप ट्रुथ टेबल में क्या बनाओगे, एक बार ए, दूसरी बार ए, तीसरी बार ए डॉट ए, और फाइनल आउटपुट ए डॉट ए का बार, ओके। तो ए एक ही इनपुट है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 0 या तो 1, तो यहाँ पे भी 0100 का एंड गेट 0, 1, 1 का एंड गेट 1, और उसका बार करो तो ये 1, 0। फिर आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि ये इनपुट था मेरा 0, 1, ये आउटपुट मिला मुझे 1, 0, मतलब ये नॉट गेट का काम करता है, क्लियर, ओके। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाना है, तो सबसे पहले ए बी लिखोगे, फिर ये एंड गेट है तो ए डॉट बी बनेगा, फिर यहाँ पे जो जाएगा वो क्या होगा, ए डॉट बी का बार बनेगा, और ये फिर कंस्ट्रक्शन आपको पता चल गया नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, तो फाइनली आप दिखाओगे ए डॉट बी का बार है और उसका भी बार। तो 14.17 के लिए ट्रुथ टेबल में क्या क्या दिखाना है वो बता देता हूँ, ए फिर बी फिर ए डॉट बी फिर ए डॉट बी का बार और फाइनली वाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार का बार। इतनी कॉलम्स आपको दिखानी है और सब कुछ आपको आता है कि क्या करना है, ठीक है। चलो सेम वे यहाँ पे ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, हमें पता चल चुका है, तो ये ए बार बनेगा, इधर बी बार बनेगा, ये एंड गेट है तो ए बार डॉट बी बार अलग से बनेगा, फिर ये बबल है तो फाइनली आउटपुट में मिलेगा ए बार डॉट बी बार का बार। अब ये ट्रुथ टेबल आप खुद से बना सकते हो। ट्रुथ टेबल के लिए आपको क्या कौन सी कॉलम लिखनी है वो मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है ए फिर बी फिर ए बार फिर बी बार फिर ए बार डॉट बी बार फिर फाइनल आउटपुट ये वाला,
फिर फाइनल आउटपुट आप ऐसे लिखोगे ए बार डॉट बी बार का बार, तो ये और गेट की तरह बिहेव करता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। चलो सेम वे ये उसके बाद वाला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 14.18, यहाँ पे भी सेम वही करना है। ये इंटरमीडिएट स्टेप क्या बनाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको ए प्लस बी का बार, और फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा ए प्लस बी का जो बार है उसका भी बार, क्योंकि इतना पार्ट है वो क्या बनता है नॉट गेट, तो नॉट गेट है वो सिर्फ बार करके दे देगा। कौन कौन सी कॉलम आपको बनानी है, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर थर्ड कॉलम में ए प्लस बी, फोर्थ कॉलम में ए प्लस बी का बार, और फाइनल आउटपुट में ए प्लस बी जो है उसके बार और उसका बार, तो ये और गेट की तरह बिहेव करता हुआ आपको नज़र आएगा। ये लास्ट, चलो यहाँ पे ए जाएगा, यहाँ पे ए जाएगा, ये और गेट है तो क्या कर देगा ए प्लस ए, और फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा ए प्लस ए का बार, ठीक है ना। तो आपको कॉलम कितनी बनानी है, एक ए, दूसरी ए, थर्ड में ए प्लस ए, फोर्थ में ए प्लस ए का बार। कैसे लिखोगे, यहाँ पे 01, यहाँ पे 01, यहाँ पे 01, यहाँ पे 10, आप दिखा दो कि ये वाला इनपुट है, ये वाला आउटपुट है, तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। ओके, यहाँ पे देखो ए बार और बी बार तो दिया हुआ है, तो ये एंड गेट है, तो क्या बनाएगा ए बार प्लस बी बार, और फाइनली आउटपुट में क्या मिलेगा आपको ए बार प्लस बी बार का, ये बबल है इसलिए फिर से बार हो गया। तो कितने कॉलम बनाओगे आप, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर ज़रूरत पड़ी मुझे ए बार की, फिर ज़रूरत पड़ी बी बार की, फिर मुझे ज़रूरत पड़ी ए बार प्लस बी बार करने की, और फाइनली मुझे आउटपुट मिला ए बार प्लस बी बार का बार। तो इतना आप खुद से ट्राई कर लेना ट्रुथ टेबल बनाने की। स्टार्टिंग के 2-3-4 क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रुथ टेबल बना के दिया है, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी है जिनका ट्रुथ टेबल आपको खुद से बनाना है, ठीक है। अगर कहीं पर भी डाउट लगता है तो एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो तो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।